गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 लिमिट्स ऑफ माइंड। क्वेश्चन आंसर इज लेफ्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू ओपन इट पेज नंबर 59 A7। All of you got it, I hope। First questions में देखेंगे, what inspirations we got, clear, from the story of Eklavya। यही answer है, तो आप वहां ध्यान दोगे, answer को ध्यान से लिखेंगे, the inspirations, am I right? The inspirations we get from the story of Eklavya is that real courage means fighting against wrong limits and respecting the correct one। Again I am repeating it, the inspirations we get from the story of Eklavya is that real courage means fighting against wrong limits and respecting the correct ones। Am I clear? क्या inspiration हमें इस कहानी से मिला? तो हमें बुराई के प्रति क्या करना है? संघर्ष करना है और सच्चाई का हर हमेशा साथ देना है, चाहे वो बड़े क्यों ना हो, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, हमें सत्य की राह पर चलना है। यही मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, सेकेंड वन। अकॉर्डिंग टू एकलव्या, सॉरी अकॉर्डिंग टू स्टोरी, इस कहानी में आपको देखिए दो ऑप्शन से, एक गुरु द्रोणाचार्य के लिए क्वेश्चन में देख रहे हैं और एकलव्य, आप किसको सपोर्ट करेंगे? एकलव्य के कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे या फिर द्रोणाचार्य के कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे? तो आप किसको करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी आई होप यू विल सपोर्ट एकलव्य। तो आप क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू मी एकलव्य शुड बी वर्दी ऑफ मोर रेस्पेक्ट फॉर बीइंग मेटिकुलस एंड सेक्रीफाइसिंग स्टूडेंट। ये लाइन बेटा आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ, एम आई क्लियर? क्योंकि आपने देखा क्यों आप एकलव्य को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि द्रोणाचार्य क्या थे, बायस थे, पार्शियल थे, अर्जुना को ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था एकलव्य को पढ़ाने से, एम राइट? तो इसीलिए हम इस तरह के गुरु को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, जो पार्शियलिटी करता है, जो बेईमानी करता है, राइट? तो हमें किस तरह, तो इसीलिए हमें एकलव्य का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरु ने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज करने के बाद भी जब गुरु उसके ट्रबल में थे तब भी वो क्या तैयार हो गया, क्या करने के लिए, अपने गुरु को हेल्प करने के लिए। तो लेट्स सी, लेट अस राइट सेकंड क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड का। अकॉर्डिंग टू मी एकलव्य शुड बी वर्दी ऑफ मोर रेस्पेक्ट फॉर बीइंग अ मेटिकुलस और सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग का मतलब या मेटिकुलस और का मतलब वही है बेटा, त्यागना, माफ कर देना। सेक्रीफाइसिंग स्टूडेंट बिकॉज आफ्टर ही ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टीज गिवन बाय हिज गुरु। हमने देखा था कहानी में गुरु ने क्या मांग लिया था, उससे लेफ्ट हैंड थंब मांग लिया था, उसके बावजूद भी उसने दोनों हाथों से, दोनों पाओ से क्या करने शुरू कर दिया था, बो एंड एरो चलाना सीख लिया था। तो वही कह रहा है, फिर से चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी एकलव्य शुड बी वर्दी ऑफ मोर रेस्पेक्ट फॉर बीइंग अ मेटिकुलस और सेक्रीफाइसिंग स्टूडेंट बिकॉज आफ्टर ही ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टीज गिवन बाय हिज गुरु द्रोणा he is ready to help him when his guru
वॉज इन ट्रबल. एम आई क्लियर? अब कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी एकलव्य क्या थे, अपने गुरु को हेल्प करने के लिए तैयार थे जब वो क्या थे, परेशानी में थे. नाउ कम टू द A11 पेज 61. बाकी क्वेश्चंस आपका हो चुका है बेटा. सो नाउ A11 पे आते हैं हम. इन A11 व्हाट वी हैव टू डू इन 60 to 80 words, एकलव्य के कैरेक्टरिस्टिक, एकलव्य के बारे में हमको 50 से 60 शब्दों में बेटा लिखना है कि एकलव्य कैसा लड़का था. तो हम जान रहे हैं कैसा लड़का था, वो करेजियस था, बोल्ड था, ऑनेस्ट था, वेल डिसिप्लिन था, एम्बिशियस था, है ना, और हार्ड वर्किंग भी था. मींस अपने से भी आप कैरेक्टर डाल सकते हो कि कैसा उसका चरित्र था, कैसा लड़का था वो. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर. एकलव्य वॉज करेजियस, बोल्ड एंड वेल डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, हम्बल एंड वेल डिसिप्लिन चाइल्ड. बेटा इसमें और भी अपने से भी कैरेक्टर डाल सकते हो, जैसे ऑनेस्ट, वेल डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंट, बहुत सारे अपने से भी कैरेक्टर आप डाल सकते हैं. ठीक है, उसकी क्वालिटीज को आप डाल सकते हैं. एम आई क्लियर? एकलव्य के बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, जो भी अच्छे बच्चों की क्वालिटीज होते हैं यू कैन एडिट. एम आई राइट? यू आर फ्री टू राइट इट. तो एकलव्य वॉज करेजियस, बोल्ड, वेल डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, हम्बल, वेल डिसिप्लिन चाइल्ड एंड हिज परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ आर्चरी वॉज आउटस्टैंडिंग कंपैरिजन विथ अदर्स. दूसरे की तुलना में उसका आर्चरी के क्षेत्र में क्या था, बहुत ही अच्छा योगदान था. ही वॉज एम्बिशियस चाइल्ड. वो क्या था, एम्बिशियस चाइल्ड था. एंड नेवर गिव अप हिज आर्चरी इवन ही लॉस्ट हिज राइट हैंड थंब. गुरु दक्षिणा में गुरु ने मांग लिया था ना उससे राइट हैंड थंब, उसके बाद भी उसने क्या किया था, बो एंड एरो चलाना नहीं छोड़ा और कड़ी मेहनत करके दोनों हाथों से उसने चलाना सीख लिया था. एम आई क्लियर? समझ में आ गई बात? देन ऑल्सो लेटर ही लर्न टू शूट विथ बोथ हैंड्स एंड ऑल्सो विथ हिज बोथ फीट एंड रेज्ड आर्मी विथ सेम स्किल्स. और उसने एक सेना तैयार किया और सेना में सारे सैनिक जो थे दोनों हाथों से चलाते थे बो एंड एरो और पांव से भी चलाते थे. ग्रेट आर्मी उसने क्या किया, बिल्ड किया था. इसीलिए हम एकलव्य का क्या करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, एकलव्य को बहादुर समझते हैं. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एकलव्य. तो आप अपने से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो 60 to 80 words में. एम आई क्लियर अगेन? कोई डाउट किसी को बेटा? मैं आपको पिक्चर भी भेज दे रहा हूँ इसका, अगर किसी को डाउट है तो टुमोरो इन अ क्लास यू कैन आस्क टू मी. आई होप यू हैड एंजॉयड दिस चैप्टर. फेयर इन योर कॉपी एंड ए ट्रेन क्वेश्चन A10 यू कैन ट्राई. बेटा इसको कल मैं लिखाऊंगा मगर आप ट्राई कर सकते हो. आप मुझे पिक भी भेज सकते हो लिख करके आपके आंसर का A10 का. एम आई राइट? सो आई होप मे आई ओवर द क्लास. Fair it in your copy.